भले ही न्याय में थोड़ी देरी हो जाए लेकिन कोई बेगुनाह न फंसने पाए। ये कहावत है लेकिन इस कहावत को झूठा साबित करने में उत्तर प्रदेश में सिस्टम पूरे तरीके से जुटा हुआ है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं, जहां पर एक ग्राम प्रधान को गलत मामलों में फंसा दिया गया है। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिढौली लुल्लुपुर में सैकड़ों ग्रामीण आज एसपी कार्यालय पहुंचे और सभी अपने प्रधान को बेकसूर होने की गवाही देने के लिए पहुंचे। इनका कहना था कि पिछली 22 तारीख को थाना कोतवाली में प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जो कि सरासर गलत है। इस समय जो घटना दिखाई गई वो घटना नहीं हुई और सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान विपिन कुमार को झूठा फंसाए जाने के इस आशय का प्रार्थना पत्र यहां पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारियों को दिया, जिसके बाद मैनपुरी पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। समस्या हो गई कि वो एक पंडित है, वो हमें सता रहा, मेरे बेटा प्रधान बन गया इसलिए चलते हैं अपन तो पी के। कौन पंडित है, क्या नाम? उसका नाम रिंकू है और एक भूरे है, ऐसे हम मतलब निकलते नहीं है, छन्नू है। क्या हो, क्या हो गया? तो वो लड़का अपने घूमता फिरता घुसते तो उसकी चल गई, वो गोली उसी की लगी, उसने मेरे बेटा को, मेरे पति को, हमारे बड़े बेटा को, दो बेटों को और पति को फंसा दिया है कि इन्होंने मुझे मेरे मारी है। अधिकारियों से बात की, क्या बोला है कि हम जांच कराएंगे तभी। क्या कहा उन्होंने? कहा हम तुम्हारा न्याय करेंगे, अधिकारी लोगों ने हम पे सुनवाई करें। मेरी बच्ची एक पार्टी है गांव में पंडित जी, तो उन्होंने मेरे भाई को झूठा फंसाया है। किस मामले में? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, मतलब उसने वो दारू पीता है बंदा, उसने किस मामले में फंसाया है? गोली उसने मार ली अपने खुद। हाँ। और उसने मेरे भाई को फंसा दिया। कितने लोग फंसे हैं आपकी तरफ के? हमारे तीन पिताजी और भैया प्रधान जी और एक बड़ा भाई है। वो मौजूदा प्रधान है? हाँ है। क्या नाम है उनका? विपिन कुमार। और जो गोली मारी है उसने अपने आप को, आप लोग कह रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उसने खुद गोली मारी, क्या नाम है? रिंकू। एसपी मैनपुरी अशोक राय का कहना है कि लोग अपनी मांगों को लेकर आए थे, उन्होंने अपनी गवाही भी दी है और अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। कुछ लोग ज्ञापन लेकर के आए थे कि इस तरह से गलत अभियोग 307 का पंजीकृत कराया गया है, तो उस ज्ञापन को देख करके उसकी जांच की जाएगी, जो सत्यता होगी उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। FIR लिखाना उस संबंधित आदमी का, वादी का अपना अधिकार है, लेकिन जांच पड़ताल में जो सही होगा वही किया जाएगा, ये बेसुरा आश्वासन करना चाहेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पुलिस को सही तरीके से काम करने की हिदायतें देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई बार ऐसे मामले आते हैं जो पुलिस की भी समझ में नहीं आते। ऐसे में मैनपुरी पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रही है। मैनपुरी से संजय शर्मा, टीम एन भारत।